वेट बढ़ा रहा हूँ मैं, ये नहीं वेट बढ़ाना है मुझे, पहले वाले सेट आराम से कंप्लीट हो गए थे इसलिए वेट बढ़ा रहा हूँ मैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिसाइडेड सेट है अगर उतना ना जाए और उससे कम जाए तो पहले दोबारा वही वेट लो, और जितना कम गया था उतने रेपिटेशन दोबारा मारने के लिए ट्राई करो, और फिर लग जाते हैं तभी वेट बढ़ाएंगे। तो मैं इसमें वेट नहीं बढ़ाऊँगा, सेम वेट से ही इतनी बार 20 रेपिटेशन किए थे तो बीच में रुका था, तो सेम वेट से ही मैं 15 रेपिटेशन करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय जर्नी से राज बूथ। तो आज मैं शोल्डर का वर्कआउट करने वाला हूं, और आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा व्यू नहीं आया, तो प्लीज़ अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं मेरे रिलैक्स की वर्कआउट की वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से मैंने ब्लॉग बनाया है। तो आज मेरा कोई मन नहीं लगेगा वीडियो मेरा बनाऊँ, लेकिन रिश्ता तो काम चलेगा नहीं ना, तो मेरा देखिए शोल्डर की वर्कआउट करूँगा मैं, कितने रेपिटेशन, कितने सेट, कौन सी एक्सरसाइज सारी बताऊँगा मैं आपको। तो आप इसी तरह मेरे चैनल बने रहो और मेरा वर्कआउट फॉलो करो, अपने वर्कआउट शेड्यूल में भी ऐड करो जो भी वर्कआउट आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब बने रहो आप इसी तरह मेरे साथ चैनल। वार्म अप हो जाएगी ना, सीट्स मसल मूव होती है इससे, इससे शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि शोल्डर करने से पहले आप ये करोगे ना, शोल्डर को पता लग जाएगा कि मेरी लगने वाली है तो एक्टिव हो जाएगी, देसी भाषा में ये कहते हैं। क्या अच्छा होता है क्या नहीं, शोल्डर को पता लग जाएगा, और जो बाद में इंजरी वगैरह होने वाली है उससे प्रोटेक्ट करता रहेगा अपने आप को। आर्नोल्ड प्रेस करेंगे ताकि इसमें सारे यानी इंटीरियर डेल्टॉइड रियर डेल्टॉइड सारे कवर हो जाए और नहीं होते। इसके हम 4 से 5 सेट करेंगे और 10 से 12 रेपिटेशन ही रखेंगे, वेट बढ़ा बढ़ा के करेंगे, पहला 10 से फिर 15 से फिर 20 से अब 25 किलो से चौथा सेट कर रहा हूँ, अगर ये सही से लग गया तो 5वां सेट भी करेंगे 5 kg से, कम से कम 10 रेपिटेशन लग गया जब ही अगला करेंगे, 10 तो लगना चाहिए। मैंने सोचा था ये 25 के इजी आ जाएंगे तो वेट बढ़ाएंगे, इजी आए नहीं, चलिए 10 रेपिटेशन तो लग गए थे, लेकिन जिस सोचा था जितने आराम से आएंगे उतने आराम से नहीं आए, तो 5वां भी करेंगे लेकिन इसी वेट से रिपीट करेंगे, वेट नहीं बढ़ाएंगे। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है डंबल फ्रंट रेज। Yeah.
ट्रूथ लाइन में इस एक्सरसाइज के 10 टू 12 रेपिटेशन करेंगे और इसमें ज़्यादा अभी जो बिगनर्स हैवी वेट नहीं करना क्योंकि मेरे खुद यहाँ दर्द करता है, कंट्रेन इस वाले एंगल में दर्द करता है, मीडियम वेट से ही करूँगा मैं इसे और 10 से 12 रेपिटेशन ही रखूँगा मैं। आपको देखना आपको क्या रखना है, हैवी वेट इंजर्ड होना है या ध्यान से करके 10 से 12 रेपिटेशन देने हैं बिल्कुल मसल पे फोकस करके। फ्रंट रेंज के पहले दो सेट तो 12-12 15-15 रेपिटेशन मैंने 10 केजी से ही किए ताकि फिर मैंने ट्राई किया 12 केजी वो भी 10 टू 12 रेपिटेशन आराम से आ गया तो आराम से आए, इसलिए वेट बढ़ा रहा हूँ मैं। ये नहीं वेट बढ़ाना है मुझे, पहले वाले सेट आराम से कम्प्लीट हो गए थे इसलिए वेट बढ़ा रहा हूँ मैं। तो अब मेरा लास्ट सेट है 4 सेट 15 केजी से, देखते हैं कितने आराम से होता है। वेट ऐसे नहीं बढ़ा देना कि हाँ नेक्स्ट में वेट मुझे बढ़ाना ही है, अगर पहला इजी लग गया हो या पहले में रेपिटेशन जो आपने डिसाइड किया हो कंप्लीट हो गए हो तभी वेट बढ़ाना है अगला, यानी कि पहला ही सेट मुश्किल से आए उसी वेट से तो फिर वेट बढ़ा के वो कर रहे हो, नहीं पहला सेट अगर आपका ईजी आए तभी वेट बढ़ाना है, इसलिए मैंने नेक्स्ट ये वेट बढ़ाया है। अब इससे ये भी इजी आ गया। इस तरह वेट बढ़ाया जाता है ना कि हर बार वेट बढ़ाना ही है मुझे, अगर आपका पहला सही जाता है तभी वेट बढ़ाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह वेट बढ़ाना है हमें। तो अब मेरी थर्ड एक्सरसाइज होगी लैटरल रेस और ये सीटर लैटरल रेस करूँगा ताकि डेल्टॉइड की मसल पे सही से फोकस हो सके। तो मेरी थर्ड एक्सरसाइज है सीटर लैटरल रेस, लेकिन कोई नहीं ट्राई करते, पहले 25 रेपिटेशन करेंगे इससे। लैटरल रेज में मैं कम भी वेट लेता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे पता नहीं अजीब सब चुभन चुभन सी होती रहती है, लेकिन कम लेट वेट लेके मैं रेपिटेशन फालतू कर लेता हूँ, यानी 25-20-15 इन्हीं के बीच रेपिटेशन करते हैं। मैंने लैटरल रेज में ही नेक्स्ट सेट डिसाइड किया था कि 7.5 केजी से 20 रेपिटेशन लूँगा, लेकिन मैं 20 रेपिटेशन तो किए लेकिन उसके बीच में दो बार रुका, तो अब मैं वेट नहीं बढ़ाऊँगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिसाइडेड सेट है अगर उतना ना जाए और उससे कम जाए तो पहले दोबारा वही वेट लो और जितना कम गया था उतने रेपिटेशन दोबारा मारने के लिए ट्राई करो और फिर लग जाते तभी वेट बढ़ाएंगे। तो मैं इसमें वेट नहीं बढ़ाऊँगा, सेम वेट से ही इस बार 20 रेपिटेशन किए थे तो बीच में रुका था, तो अब सेम वेट से ही मैं 15 रेपिटेशन करूँगा। अभी आराम से आ गए तो मैं नेक्स्ट सेट में यानी फोर्थ सेट में अपना वेट बढ़ाऊंगा, यानी 10 केजी से 10 टू 12 रेपिटेशन करने के लिए ट्राई करूंगा मैं। इस तरह वेट बढ़ाता हूँ, आप इस तरह बढ़ाते हो। अब मेरी फोर्थ एक्सरसाइज रियर डेल्ट फ्लाई मशीन से करूंगा मैं, जिसमें पैर फ्लाई करते हैं उसके ही मैं 4 सेट लूँगा और उसके भी रेपिटेशन में फालतू रखूँगा, वेट मीडियम रखूँगा ताकि मसल में कोई इंजरी ना आए।
सकती हूँ। और लास्ट एक्सरसाइज करूंगा मैं ड्रग्स में, हैवी वेट करने के बजाय मीडियम वेट से मैक्सिमम रेपिटेशन मसल पे ताकि आए, जो भी वेट जो हैवी आया था उसका टारगेट होता है वजन उठाना है किसी तरह, तो मैं वो काम नहीं करता। मैं इतना ही वेट लेता हूँ जिससे प्रॉपर मसल सही तरीके से मूव हो सके, तो मैं ड्रग्स में 25 से 30 वेट रखूँगा, रेपिटेशन वही 20, 25, 30 जितने भी चले जाएँ उतने रखूँगा। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज होगी, तो आप मेरी सारी एक्सरसाइज ऐसी देखिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहो, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरी कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और भाई की पूरी वीडियो पूरी अच्छी तरह देखनी है ताकि व्यू भी सही से आए और वॉच टाइम मेरा फटाफट कम्प्लीट हो। तो आप इस तरह मेरे चैनल पर बने रहो और मेरे को सपोर्ट कर दो। ट्वेंटी फाइव लग गए, अब 30 kg से भी 25 रेपिटेशन ही करेंगे।